वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ए भाई साहब शुक्रिया फॉर फिफ्टी के सब्सक्राइबर्स सभी किंग्स एंड क्वींस को बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए लेकिन वी आर नॉट एमिंग फॉर दैट सो नहीं फिफ्टी के तो हम एम नहीं कर रहे हैं वी आर एमिंग फॉर दैट नाइन के का मार्क 69 इज दैट स्पेशल नंबर व्हिच वी आर एमिंग फॉर सो भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब वी वॉन्ट सिक्सटी नाइन के सब्सक्राइबर्स तब सेलिब्रेशन होगी फिफ्टी के तो भाई नॉर्मली लोग करते हैं अपन डैंक है अपन सिक्सटी के चाहते हैं ठीक है ऑल द 69 मिल नहीं रहा है जी, सेंस में चाहिए लेकिन इस यहां तो हो जाए कम से कम जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब कर दो वी वॉन्ट दैट सिक्सटी नाइन के हम आर ऑन आर भाई साहब चैनल ए के जी के सब्सक्राइब आए हाय वी वॉन्ट दैट एनी वेज गाइस आज बहुत एक और खुशखबरी है चलो फिफ्टी के तो हो गया लेकिन जो फिफ्टी के का उपलक्ष है उसमें भाई साहब एक और आप मैं चार चांद दे देता हूँ इंडिया जो है वो हीरो ट्राई नेशन कप जीत चुकी है और इंडिया में यहाँ पे कम्पीट कम्पीट कर रही थी इंडिया तीन नेशंस के ख़िलाफ़ म्यांमार किर्गिस्तान और भाई साहब ऑफ अपन इंडिया तो ये तीन नेशंस कम्पीट कर रहे थे फॉर हीरो ट्राई नेशन कप और भाई साहब यहाँ इंडिया विजेता बन गई गजब की बात और साथ ही साथ ये मैच इम्फाल में हो रहा था तो अगर कोई भी भाई बंधु मेरा इम्फाल से देख रहा है बड़े भाई थैंक यू फॉर बींग देयर एंड आप लोगों ने जो आज सपोर्ट दिखाया है ना टीम को कजब का सपोर्ट दिखाया है ऑडियंस व एकदम अमेजिंग मजा आ गया इस सपोर्ट को देख करके भाई काफ़ी अच्छा लगा मेरे को देख कर के साथ ही साथ और एक कई सारी चीज़ें यार पहली बार बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया लगातार पाँच इंटरनेशनल गेम्स जीती है अब वो पाँच इंटरनेशनल गेम्स कौन कौन से टीम के खिलाफ आए थे तो भाई साहब वो पाँच नेशनल गेम्स आए थे आपके आज का किर्गिस्तान वाला जो हम लोग टू नेल जीते इससे पहले

गजब का सपोर्ट इम्फाल के स्टेडियम में साथ ही साथ गजब के गोल्स देखने को मिले बींग वेरी ऑनेस्ट पीपल आर यू नो थोड़े से डिवाइडेड कि भाई कैसा परफॉर्मेंस था इंडिया का बट पर्टिकुलरली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा पोजिशन हमारे पास अच्छी थी डिस्ट्रीब्यूशन पासिस के काफ़ी अच्छे हो रहे थे हमारे मिडफील्डर्स काफ़ी बेहतरीन खेल रहे थे और पहला गोल भाई ब्रेंडन क्या फुटबॉलर है यार ब्रैंडन भाई ब्रेंडन जो अपने एफ सी गोवा के प्लेयर हैं ना इनके फ्रिकिक्स गजब के हैं और शुरुआत में इन्होंने एक फ्रिक मारा था जो गोल कीपर ने रोक लिया था गजब फ्लाइंग गोल कीपर ने रोका था बट देन फिर से फ्रिक मिला और ब्रेंडन ने क्या ही भैया झिंगन को खोजा और झिंगन ने भाई क्या गोल मारा है मतलब अमेजिंग गोल थोड़ा सा भी अगर मिस जज कर दे मिस टाइम करते तो वो गोल नहीं पड़ता बट दैट गोल अमेजिंग फ्री किक से गया जिंगन को जिंगन ने भी गोल मारा वन दिल इंडिया लीड करती है एंड देन भाई साहब वहां पर फिर आखिरी आखिरी में सिंह को जो है वो भैया गिराया गया था पेनल्टी बॉक्स में उसके बाद सुनील छेत्री सर को जो है पेनाल्टी मिली एंड ऑब्वियसली ही इज अ पेनाल्टिस्ट स्पेशलिस्ट और उन्होंने जो है वो पेनाल्टी मार के 85 गोल्स कर दिया अपना इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया को जो है वो टू नील की विक्ट्री दिलवा दी कजाकिस्तान के खिलाफ नाउ आफ्टर दिस victory. भाई साहब वी वॉन्ट दैट ट्राई नेशन कप कप के सेलिब्रेशन चल रहे थे काफ़ी अच्छा लगा देख करके और मतलब देख के अच्छा लग रहा है कि इंडिया की हमारी टीम जीत रही है लेकिन एक चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है वो है इंडिया के रैंकिंग्स बिकॉज कजाकिस्तान पहली मतलब बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया भाई साहब अपने ऊपर के रैंकिंग वाले टीम से जीती है कजाकिस्तान की रैंकिंग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अराउंड 94 और 95 में से कोई एक रैंकिंग है सो so, वो वो टॉप 100 टीम्स में आती है इंडिया 108 की रैंकिंग में थी एंड आफ्टर विनिंग दिस टू इंपॉर्टेंट गेम्स अगेंस्ट म्यांमार वी आर इन वन हंड्रेड एंड थ्री का रैंकिंग स्टिल वी आर इन पॉट थ्री ऑफ फीफा का जो है वो क्वालिफिकेशन वर्ल्ड कप का जो होगा वो उसके पॉट थ्री में है हम लोग पॉट टू में आने के लिए अब हंड्रेड की रैंकिंग चाहिए लेकिन अगर ऐसे ही हम इंटरनेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे और इंडिया का जो है वो ट्वेंटी फोर्टी सेवन वाला एक जो रोड मैप है उसके हिसाब से इंटरनेशनल गेम्स होंगे तो अगर हम ऐसे ही इंटरनेशनल गेम्स करवाएंगे यार तो वी कैन लिटरली विन दी गेम्स बिकॉज बींग वेरी ऑनेस्ट भाई साहब हमारे फुटबॉलर सच में अच्छा खेल रहे हैं बहुत मज़ा आया मेरे को कजाकिस्तान वाला गेम देख करके और जो चीज़ ना अपन को डर लग रहा था कि डिफेंस हमारी कमजोर लग रही थी अब डिफेंस काफ़ी अच्छी नजर आ रही है मिडफील्ड में अपन बॉल नहीं पकड़ पा रहे थे अब अपन मिडफील्ड में भी बॉल पकड़ पा रहे हैं पोजिशन अच्छे तरीके से जो है वो बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे और आईकॉन स्टेमिक ने बोला भी था कि यार अगर, अगर अपन ड्रॉ भी करेंगे ना तो अपन ट्रॉफी जीत जाएंगे लेकिन हम लोग तो फुल अटैक मारेंगे और वो चीज़ अपन को देखने को मिली फर्स्ट हाफ में भी अच्छे है अटैकिंग प्ले देखने को मिला सेकंड हाफ के शुरुआत में थोड़ा सा कजाकिस्तान थोड़ी सी मेरे को ऊपर नजर आई इंडिया की टीम से बट देन फिर इंडिया फिर से अपना ग्रुप पकड़ वी वॉन्ट दी ट्रॉफी सो काफी मजा आया कजिकस्तान का गेम देख करके बहुत दी कप अगेंस्ट अबव हंड्रेड वाली रैंकिंग की टीम एंड आई रियली होप्स की वी कंटिन्यू दिस फॉर्म एंड भाई साहब और इंटरनेशनल गेम्स करवाओ अबव हंड्रेड की रैंकिंग कास्ट हो जाती तो मजा आ जाएगी लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है शायद नहीं अपन कर पाएंगे क्योंकि सैफ एफ का जो है वो अभी गेम्स होने वाले हैं बट आई गेस कोई एक महीने तक ही के रैंकिंग्स फीफा लेने वाली है और जो अभी इंडिया के आगे वाले गेम्स है वो उस महीने के बाद है शायद मे के बाद कुछ गेम्स है हमारे और मे के पहले की रैंकिंग ले रही है आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पूरा सिचुएशन बट स्टिल भाई वी वर एट वन जीरो एट और वन जीरो सिक्स आई रियली डोंट रिमेंबर बट वी आर राइट नाउ एट वन जीरो थ्री सो ये काफ़ी अच्छा ह्यूज बूस्ट मिला आफ्टर दीज टू गेम्स म्यांमार एंड कजिकिस्तान खैर विनर्स ऑफ भाई साहब ट्राइनेशन कप इंडिया मजा आया देख करके गोल्स फॉर गोल्स फ्रॉम संदेश जिंगन एंड भाई साहब ऑब्वियसली नन दर दैन सुनील छेत्री सर मज़ा आया देख लेट्स टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ आर वीडियो वो है वन फुटबॉल देखे अगर आप एक फुटबॉल फैन हो तो इंटरनेशनल ब्रेक आ चुका है आपको वन फुटबॉल अप डाउनलोड कर देना चाहिए लिंक अडस्क्रिप्शन में फ्री अवेलेबल ऐप आप है आपको वन फुटबॉल दुनिया जहाँ की फुटबॉल की न्यूज तो दे ही देगा साथ ही साथ आपको लाइव मच्छर के लाइव टीम शेट रिव्यू रिव्यू सभी दे देगा तो डाउनलोड करो वन फुटबॉल को अभी और इन्जॉय करो फुटबॉल को वन फुटबॉल के साथ एनीवेज का आगे अब इंटरनेशनल फुटबॉल के बारे में बात कर लेते हैं सो so, इंटरनेशनल में बार सुनने से खबर आ रही है एक ये खबर आ रही है कि भाई साहब ओबा इस भाई साहब ऑन द रेडार ऑफ एफसी सार्सोना और अबामैंग वापस आ सकते हैं बारसोना में सो so, सोबाम के लिए खेल रहे थे आर्सोनल के बाद ही टू बार्सोना में आई गेस ही प्लेड फॉर 12 गेम्स एंड ही स्कोर्ड 11 गोल्स 12 गेम्स खेल करके 11 गोल मारा था एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही हैड एनी स्ट्राइकर विद सो अबा मैंगस आर मेन स्ट्राइकर सो अबा मैंग बहुत अच्छा खेल रहे थे बट देन चेल्सी ने बुलावा दिया अबा मैंग को और फिर अबा मैंग ने बुलाया चले जाता हूँ ऑन चेल्सी अब चेल्सी में भाई ही प्लेड सम गेम्स बट वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो अनबन हो गई चेल्सी के बोर्ड के साथ और उनके मैनेजर्स के साथ वी रियली डोंट नो कि वहाँ क्या हुआ बट अब उनको उतना गेम टाइम वहाँ पे चेल्सी में नहीं मिल रहा है रिसेंटली अबा मैंग भाई साहब अटेंडेड द गेम ऑफ एल क्लासिको बिटवीन बार्सोना एंड रियल मेड्रेड एंड ही वॉज स्पॉटेड इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ बार्सोलोना सेलिब्रेटिंग विद द प्लेयर्स ऑफ बार्सोलोना नाउ दिस भाई साहब ऑफेंडेड द मैनेजर्स ऑफ चेल्सी एंड भाई साहब द बोर्ड ऑफ चेल्सी बिकॉज ऑफ दिस भाई साहब जेलसी के मैनेजर्स बोर्ड डायरेक्टर्स जो भी हैं दे डू नॉट वॉन्ट अब कंटिन्यू एट देयर क्लब दूसरे क्लब में जाकर आप सेलिब्रेशन कर रहे हो ड्रेसिंग रूम में, कोई भी भाई साहब टॉलरेट नहीं करेगी ऐसी चीज को. प्लस पहले से चल रहे थे. तो अबा मैंग ने अपने आप को खुद को ऑफर किया है बार्सलोना को लो सैलरी में एंड बार्सलोना हैज़ ऑलरेडी प्लेड सीजन अर्लियर भाई साहब एंड ही नोज ऑल दी टीम ड्रेसिंग रूम में काफी अच्छे से रहा है

है, ड्रेसिंग रूम बहुत अच्छे से फिलोसफी जानता है गेम की साथ साथ ही को भैया एक बैकअप नंबर वन बहुत अच्छा स्ट्राइकर मिल जाएगा नो वी आर नॉट गोना अप ना ही मतलब जैसे विक्टर रॉक वगैरह अगर बार साइन कर लेती है ना तो वो यंगस्टर है ठीक है बट यहाँ अबा मैंग आ जाएगा और अब भी बहुत अच्छे लेवल का स्ट्राइकर है ही ऑल्सो है स्कोस गोल्स तो वहां पर अगर एलेवन डॉस्की का बैकअप इतना अच्छा अपन को मिल जाएगा एलेवन डॉस्की टाइप मतलब अलेवन डॉस्की का बैकअप इतना अच्छा अपन को अबा मैंग जैसा मिल जाएगा तो भैया सोने पर सुहागा हो गया ना फिर अबा मैंग यहाँ पर खेलेंगे एलेवन डॉस्की के बिहा हाफ में जब एलेवन डॉस्की भैया रेस्ट वगैरह लेगा और जब जब एलेवन डॉस्की ने रेस्ट लिया बार सोना में भैया गोल्स नहीं पड़ते थे क्योंकि हमारे फ्रंट लाइन फाटी ठीक है फरान फ्रांटोरेस और रफीनिया होते थे और ये लोग गोली नहीं मार पाते थे तो लैक ऑफ लेवन इन दफ्सी बार्सलोना भाई साहब has, you know, भाई अब को ना अगर लेमेंट नहीं रहेगा तो गोल मार नहीं पाते हैं तो वी नीड अट्राइकर अपने वेरी कीन टू ब्रिंग अबा बैंग बैक टू बार्सोना देखने को मिल सकती है आज की कहानियां दोस्तों खैर इंडिया वाली कहानी ज्यादा मजा आई अबा मैंगी मजा लेकिन इंडिया का जो जीत ट्रॉफी देख लेता हूँ ना मैं तो मजा आता है फैंस भी हैं इम्फाल के भाई आप लोगों ने जो सपोर्ट देखा है इंडियन फुटबॉल के लिए वहां पे स्टेडियम में बहुत अमेजिंग भाई काफी मजा आया टिकरपी जय हिंद मात्र